तो दोस्तों आज भी गर्मा गर्म टेक न्यूज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों कल के टेक न्यूज पर आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। थोड़े से लाइक्स कम आए थे, थोड़ा जोर लगा दीजिए लाइक में, थोड़ा सा 50 लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस के बारे में। तो दो मूवीज आज रिलीज हुआ है। पहला जो है वो पानीपत, जिसमें आपको स्टार कास्ट अर्जुन कपूर हैं और संजय दत्त हैं, और जो दूसरा मूवीज है पति पत्नी और वो, यह एक कॉमेडी फिल्म है और इसमें आपको कार्तिक आर्यन है। आप दोनों ही मूवीज को नजदीकी सिनेमाघर में आज से देख पाएंगे। और अगले हेडलाइंस की बात करें तो दोस्तों हैदराबाद में जो गैंग रेप हुआ था उसमें जो चार आरोपी थे उनका आज इनकाउंटर कर दिया गया है। दोस्तों उन आरोपियों को उस जगह पर ले जाया गया था जहां पे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, और पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही थी। तभी चारों जो आरोपी थे वो भागने की कोशिश किए, उसी वक्त पुलिस ने उन चारों का इनकाउंटर कर दिया। और दोस्तों होना भी चाहिए, आपको पता है भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां पे आपको इस तरह के मामला आते रहते हैं, और ऐसे में हैदराबाद की जो पुलिस है बहुत अच्छा काम किया, इससे मैं खुश हूँ। आप खुश हैं कि नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पहली खबर की बात करें तो WhatsApp की तरफ से आ रहा, WhatsApp ने यहाँ पे नया अपडेट जारी कर दिया है, जाइए और इस अपडेट को अपडेट करिए। पहले दोस्तों अगर आप WhatsApp कॉल पे बात करते थे तो वेटिंग कॉल आपका शो नहीं होता था, अब ऐसे में इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। अगर आप बात करते हैं किसी से और कोई और अगर आपको कॉल करता है तो वेटिंग कॉल में शो करेगा, तो जल्दी से जाइए और इसको अपडेट कर लीजिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है Realme की तरफ से आ रहा है। दोस्तों कल के टेक न्यूज में मैंने आपको बता दिया था कि Realme 20 दिसंबर से पहला इंडिया में Realme XT 730G लॉन्च कर सकता है। उसके साथ ही आपको Realme का एयरबड्स भी लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों Realme का जो एयरबड्स है तीन कलर में आएंगे, ब्लैक, व्हाइट एंड येलो कलर में। ट्विटर पे भी माधव सेठ ने यहाँ पे एक इमेज पोस्ट किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। Realme की तरफ से एक और लीक्स निकल कर आ रहा है, Realme का जो मॉडल नंबर है RMX 2030। अब इस मॉडल नंबर को बताया जा रहा है कि Realme 5i हो सकता है। दोस्तों इसी Realme 5i को अपकमिंग स्मार्टफोन बताया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को NBTC सर्टिफिकेशन मिल चुका है, BIS सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। बाकी अगर Realme की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। और दोस्तों कल के टेक न्यूज में मैंने आपको बता दिया था Redmi K30 का 4G वेरिएंट भी आने वाला है, और इसी Redmi K30 4G वेरिएंट का कुछ स्पेसिफिकेशन टीना पे देखा गया है। जैसे कि आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 4400mAh का बैटरी दिया जाएगा। बाकी इस स्मार्टफोन को Xiaomi कौन से प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेगा अभी इसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि Redmi K30 4G वेरिएंट जो होगा उसमें आपको Snapdragon का 730G प्रोसेसर के साथ आ सकता है। और दोस्तों इसी Redmi K30 4G वेरिएंट कब लॉन्च होगा अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इसका जो है इमेज जारी कर दिया गया है। बाकी देखते हैं इसी Redmi K30 4G वेरिएंट का क्या अपडेट आता है, अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है Vivo की तरफ से आ रहा है, और दोस्तों इसी Vivo X30 को आपको 16 दिसंबर को चाइना में लॉन्च किया जाएगा। बाकी देखते हैं इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग और क्या इन्फॉर्मेशन आता है, मैं आपको इसी तरीके से बता दूंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रहा है, कल जो उनका कायरो में एक इवेंट हो रहा था वहां पे नोकिया 2.3 को लॉन्च कर दिया गया है। इसी नोकिया 2.3 का जो प्राइस रखा गया है 106 यूरोज रखा गया है, यानी कि दोस्तों इंडिया में इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा लगभग 8,600 रुपये के आसपास होगा। बाकी देखते हैं नोकिया इंडिया में इस स्मार्टफोन को कितने प्राइस पे लॉन्च करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसी नोकिया 2.3 के फुल स्पेसिफिकेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रहा है, एक लीक्स निकल कर आया है कि सैमसंग गैलेक्सी S11 में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आपको 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। बाकी ये लीक्स हैं, अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, आगे देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। और दोस्तों अगली खबर भी सैमसंग की तरफ से आ रहा है, सैमसंग ने इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है माइक्रो LED TV। दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा 3.5 करोड़ रुपए होगा, जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट टीवी होगा 146 इंच का जो 4K मॉडल होगा, और जो दूसरा है 219 इंच का 6K वेरिएंट होगा, और तीसरा 292 इंच का जो 8K वेरिएंट होगा, जहां पे आपको 292 इंच दिया गया उसका जो प्राइस बताया जा रहा है 12 करोड़ रुपए। दोस्तों इसी सैमसंग वाल माइक्रो LED टीवी जो है वो कॉमर्शियल यूज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बाकी देखते हैं इसी सैमसंग माइक्रो LED के बारे में क्या कुछ निकल कर आता है,
दोस्तों यहाँ 20,000 का मोबाइल नहीं खरीदा जा रहा और 12 करोड़ रुपए का LED TV लॉन्च कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले खबर के बारे में। तो दोस्तों अगली खबर जो आ रहा है Xiaomi की तरफ से आ रहा है। Xiaomi का जो Mi Note 10 है इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। और इसी Xiaomi का 108 मेगापिक्सल जो कैमरा स्मार्टफोन है उसका ऑलरेडी जो है आप देख रहे होंगे कि Xiaomi इंडिया में वहां पे लगा रखा है 108 मेगापिक्सल कमिंग। अब ऐसा बताया जा रहा है कि Mi Note 10 आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर आपको जनवरी के एंड में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों इसी Xiaomi का 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन का जो इंडिया में प्राइस बताया जा रहा है वो 40,000 रुपए लगभग बताया जा रहा है। बाकी देखते हैं Xiaomi का Mi Note 10 स्मार्टफोन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आगे निकल कर आता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का टेक न्यूज खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।